अब मैं बोतल वोटल रखती हूँ पानी की, हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। सो राधे राधे सभी भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सोच रहे हो कि भाई ये मेरे इस पे क्या टंग रहा है, तो मैं जा रही हूँ बुआ नमस्ते, राम राम बुआ को। सो गाइज मैं इनको प्रेस के लिए देने जा रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि टंग की मैं ही प्रेस वाली हूँ। जैसे मम्मी आप कुछ बोलो अपनी सुरीली आवाज से, क्यों बोलो, इनसे बोला ही नहीं जा रहा, इनका गला बैठ चुका है। तो मैं जा रही हूँ भाई प्रेस के लिए कपड़े देने। स्कूटी हो रही है ख़राब, कार निकालने में भाई बहुत घंटे लग जाएंगे, तो मैं सोचा ऐसे चली जाती हूँ। और जो भी हमारे घर से लेके जाता है वो गए हुए हैं शादी में, और आप बिलीव नहीं करोगे 27 जोड़ी कपड़े हैं, तो मैंने कहा अभी दे के आती हूँ जाके। जिया इस डॉगी का मुंह किसने बांध दिया। सो गाइज आपको पता है मैं भाई नहा ली, शायद मैंने पता नहीं पहले क्लिप बनाई थी, नहीं मैं खुद भूल गई, मतलब मैंने मेरे कपड़े धो रही थी ऊपर, तो मेरे बीच में आधे कपड़े रह गए, बस वो कंप्लीट करके उसके बाद में क्या करूँगी। आंटी आपने सारा कूड़ा नीचे ले जाना, ठीक है, डस्टबिन में डाल देना नीचे। उसके बाद में अभी मुझे कपड़े बस सुखाने हैं, धुल तो गए क्योंकि वॉश हो गए, बीच में लाइट चली गई थी, तो मैंने ऐसी मशीन में से साफ पानी निकाल दिया। अब मैं बस वो करूँगी, उनको सुखा के फिर यहाँ पढ़ने बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा परसों का एग्ज़ाम है। और भाई आज हमें बागेश्वर भी जाना है, मैंने आपको बताया था ब्लॉग में। और यार देखो कपड़े नीचे भी गिर गए, उठाती हूँ अभी। तो गाइस मैं ना सो के उठ गई, और मैं और मम्मी सो गए थे क्योंकि मम्मी की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। सीरियसली बस मम्मी मेरे लिए जा रही है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था, और मम्मी थोड़ा सा यार सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बच्चों के लिए, और भैया भी नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से मम्मी जा रही है मेरे साथ, हम बागेश्वर जा रहे हैं ना, सो इस वजह से। और अब मैं जा रही हूँ, हमारा कल एकादशी है, तो हमारा फास्ट है, यानी कि हम लोग आज से 7 बजे से रखना शुरू कर देंगे शाम से। तो फ्रूट्स लेने जा रही हूँ, और वही सब लेने जाना है, और फिर आपके पैकिंग करनी है, देन उसके बाद में आपसे बातें करेंगे। लेके घर आ गई, और मैंने आज ना मॉर्निंग में जो क्लोथ्स वॉश करे थे, अब फटाफट उनकी तय बनाती हूँ, क्योंकि यार सच्ची में ना मेरी मम्मा की बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, उनके बस की भी नहीं है, वो तब भी जा रही हैं। और मुझे अपने टैब आईपैड ये सब कुछ पैक करना है, इन सबको पैक करती हूँ। यार सच बताऊँ हिम्मत नहीं है उनके बिल्कुल भी जाने की, बट वो बस मेरे लिए जा रही हैं। मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है, ये देखो मम्मी आपने सब कुछ तैयार कर लिया बेटा, बिल्कुल तैयार सही, पर तबीयत मेरी मम्मी के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बस मुझे यार एक काम करना है दोबारा से, जो मैं बढ़ा चुकी है, मैं बढ़ा के चुकी हूँ, ये बात मम्मा ने ही बोली थी, मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत केयरिंग है, तो बोल रही थी मम्मी कि तुम आप नेल पॉलिश लगा लो, मैं क्योंकि मेरे नेल्स बहुत बेकार लगते हैं बिना नेल पॉलिश के, इस वजह से तो मैं वही कर रही हूँ अभी। भाई ये सूख गई थी, मैंने एक कलर लगाया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं दूसरी नेल पॉलिश लगा रही हूँ। उसके बाद में बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं, ड्रेस में मम्मी बस मैं लोअर और टी शर्ट पहन चलूँ। हाँ। कौन से कलर के पहन के चलूँ, जो ज्यादा कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल ओके। हाँ मम्मी कैप लगा के चलूँ, जो भैया दिलवा के लाए अभी नई वाली। ओके आप कौन से कलर के पहन के चल रही हो, व्हाइट वाला सूट पहन। व्हाइट वाला सूट नहीं, आप भी कुछ पिंक सा ही पहन लो, है जिसमें आपके पास पिंक तो होंगे ना, पिंक तो। हाँ मैं भी कुछ पिंक सा पहन रही हूँ, फिर पर्पल वाला सूट पहन लो आप अपना। आपने बर्थ के लिए खाने में क्या क्या बनाया बताना। पूरी बनाई है, मखाने भुने हैं, फ्रूट्स है, और क्या कहते हैं सूखे आलू है, दही है, मिठा है, और भाई मम्मी की आपको आवाज नहीं आ रही है, पकौड़े मखाने, हाँ जो जो भी बनाया, मतलब मम्मी और मेरा कल एकादशी का व्रत भी है, और मूंगफली है, और ड्राई फ्रूट नहीं रखे क्योंकि ना ड्राई फ्रूट यार मेरे को नुकसान देने शुरू हो गए थे, मेरे को ना ड्राई फ्रूट खाने से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेरे को एसिडिटी बनती थी, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं वो, मुझे सूट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने खाना छोड़ दिया। अब मैं पहले जाती हूँ और भगवान जी का दीपक जला के आती हूँ।
आ गई ऊपर पूजा करने और देन इसके बाद में मुझे अपने ड्रेस चेंज करने हैं। मम्मी डांट रही हैं, बोल रही हैं हम जल्दी से कर लो वरना लेट हो जाएंगे, क्योंकि यार बहुत दूर है बागेश्वर धाम। और मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई मैं अभी इस बार बागेश्वर बाबा से अपनी अर्जी लगा के आती हूँ और आप लोगों के लिए भी लगाऊंगी भाई, सभी के लिए, कि बागेश्वर बाबा आप सबकी ज़िंदगी में बस दुख मत देना, किसी की भी ज़िंदगी में खुशियाँ ना हो ना, तो इतने दुख ना हो कि इंसान बहुत दुखी ना हो बस अपनी ज़िंदगी में कोई भी। तो गाइस ये मैंने आरती कर ली और आप लोग भी आरती ले लो। और भाई आप सभी को कि मनोकामनाएं पूरी हो, बस मैं माथा और टेक लेती हूँ एक बार। अब भाई मैं कपड़े बदलती हूँ, अपने कपड़े चेंज करती हूँ। और मैंने अभी थंबनेल के लिए ना मम्मी से बोल के उनको फोटो क्लिक कराई थी, क्योंकि आपको पता है यार मेरी मम्मा ही मेरी हेल्प करती हैं, तो उन्होंने बेचारी ने हेल्प करी थी। और यार अगर सच बताऊँ मेरी मम्मा को ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो सच बता रही हूँ मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ना मेरी वीडियोज़ पर एडिटिंग कर देती। बट चलो यार जितना है, और पता है मम्मी ना कभी नहीं छोड़ती मेरी, हर फोटो पे कमेंट करती है, हर उस पर मम्मी इतना सपोर्ट करती है ना। आज मेरी मम्मी के बस की नहीं है, मम्मी तब भी जा रही है। इस मैं हो गई रेडी और आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखो भाई मैं लोवर टी शर्ट ही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि रात में ट्रैवल करना है ना, इस वजह से नॉन स्टॉप ट्रैवल करना है। आप सबको पता है कि मेरा एग्ज़ाम है उसको 21 तारीख को और 10 बजे से, सच बताऊँ तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हुई है ज़्यादा। मम्मी बताना मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। कैप और अच्छी लग रही है तेरी। आपका भतीजे दिला के लाए थे परसों ही। कैप हाँ अच्छी लग रही है। हो गया बात, 10 मिनट पे आ रहे हैं भैया। निकाल दिया आपके कपड़े। सो गाइस अब मैं बोतल रखती हूँ पानी की, हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। और भाई कैन लेके जा रहे हैं पूरी, क्योंकि यार रास्ते में रुकने वाला सीन नहीं है, मेरा परसों है एग्ज़ाम, इस वजह से आपको पता है स्टॉप हमें लेना नहीं है, डायरेक्ट चलते जाना है। बिना स्टॉप के जाएंगे हम, कहीं स्टॉप तो लेंगे ही नहीं रास्ते में। और बोटल्स रख लेती हूँ पानी की और चटाई भी, क्योंकि एक बैठने के लिए तो चाहिए यार कहीं ना कहीं, क्योंकि भैया ड्राइव करेंगे तो उन्हें एक बार लेटना तो पड़ेगा इस वजह से।